बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है, जिंदगी बहुत कीमती है इसे संभाल के रख, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो तबाही का मंजर, यह रायगढ़ जिले के वनांचल क्षेत्र के गांव चिरईखार करवाजोर सहित लैलूंगा ब्लॉक के पूर्वी क्षेत्र के गांव की है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक रायगढ़ से, आरजे रमदागर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अभी पूरे छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि और बारिश से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है, लेकिन रायगढ़ जिले के वनांचल क्षेत्र लैलूंगा के पूर्वी अंचल में भारी तबाही का आलम है। आइए हम देखते हैं किस तरह से तबाही हुई है। 24 अप्रैल की रात कयामत की रात साबित हुई। अचानक हुई इस ओलावृष्टि ने लोगों को हक्का बक्का कर दिया। कई ओले इतने बड़े बड़े थे कि घंटों तक नहीं पिघले। इसने न केवल गरीबों के आसियाने को उजाड़ा बल्कि फसलों को भी भारी नुकसान किया। सब्जी की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। लैलूंगा की सीमा जसपुर जिले से लगा हुआ है, इस जिले में भी भारी तबाही देखी गई। किस तरह से तबाही का मंजर है, गरीबों के आसियाने छीने गए हैं, इस बात में खास करके यहाँ के जो नुकसान हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि गरीबों के झोपड़े थे, आसियाने थे, खप्पर के मकान थे, वो ऐसी लोगों को बर्बादी के कगार पर पहुँचा दिया है। इसके अलावा बहुत तरह के जो फसल थे, सब्जी की फसल थी, उसे बर्बादी की कगार पर पहुँचाई है। जहाँ तक इसके जायजा लेने का सवाल है, जसपुर सीमा से जुड़े होने के कारण जसपुर अंचल में जरूर सांसद जी गए हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे रायगढ़ नहीं आ सके और उनके बगल के गांव को उन्होंने जाकर के जायजा लिया। जहां तक रायगढ़ जिले का सवाल है, यहां के एसपी मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, वहां के एसडीओपी चार थानेदारों को भेज करके वहां के बारे में जानकारी लिया है। इस तरह से हालात बस से बदतर है। इन गरीबों के आसियानों को सजाने की जरूरत है, फिर से इनके झोपड़ों में रहने लायक बनाने की जरूरत है। रायगढ़ सांसद गोमती साय जसपुर के कुछ गांवों में जाकर जायजा लिए। वहीं लॉकडाउन के कारण रायगढ़ जिले के कई गांवों तक वे नहीं पहुंच सके। लॉकडाउन में भी घर से निकलकर अपने कार्य क्षेत्र पर भ्रमण करने को मजबूर हो गए। आज ऐसा है कि ऊपर वाले की ये प्रकृति की कहर है, कोरोना के साथ साथ कोरोना वायरस में सब लोग घर में थे, सभी जनता पब्लिक सब लोग हम लोग सब घर में ही थे, लेकिन आज निकलने में इसलिए मजबूर हो गए कि ऊपर वाला का ही कहर समझिए, जो इतना ओलावृष्टि हुआ है और लगभग 5-7 गांव उससे प्रभावित हुआ है, और इसलिए मेरे को घर से निकलने में मजबूर हो गई मैं, कि हमारे लोग इतना परेशान हैं और रहने बैठने के लिए कोई जगह नहीं है उनके पास, तो मैं उनका दुख बांटने के लिए निकली हूँ। और मेरे हम लोग से आदरणीय रहमणि भगत जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र यादव जी हैं, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, हम लोग सब मिल करके घूम रहे हैं और जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं कि उनकी समस्या थोड़ा कम कर सकें हम लोग, और शासन केंद्र शासन की और शासन से जो भी सुविधा मिले उनको हम लोग मुहैया कराएंगे और उनका यथासंभव हम लोग सहयोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए घर से निकलने में हम मजबूर हो गए। रायगढ़ जिले के गांव का जायजा धरमजयगढ़ एसडीओपी श्री नायक के निर्देश पर क्षेत्र के चार थाना प्रभारियों ने लिया और बारीकी से पड़ताल कर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया, जिसे देखने एवं लोगों से रूबरू होने के लिए स्वयं एसपी संतोष सिंह को भी इस क्षेत्र में आना पड़ा। इस तरह से अचानक हुई ओलावृष्टि से भारी तबाही का मंजर है, इससे प्रभावित गरीबों के आशियाने को फिर से सजाने की जरूरत है, हालात के मारे बेसहारों को सहारा देने की जरूरत है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।